वक्त वक्त के खेल में सब बह जाता है, पर कुछ लम्हे तो सब मिटने के बाद भी रह जाता है। आज मैं आपके सामने हूँ, कल कोई और टीचर आपके सामने था, है ना। तो वक्त वक्त के खेल में सब बह जाता है, पर कुछ लम्हे तो सब मिटने के बाद भी रह जाता है। और तुम भी एक वक्त हो, तुम भी एक वक्त हो, दरिया की तरह बह जाओगे, पर जहाँ भी जाओगे किनारे की तरह हमें संग पाओगे, जहाँ भी जाओगे किनारे की तरह हमें संग पाओगे। अब मैं जान रही हूँ कि अपने से लगते हो, मैं आपको नहीं जानता, नाम को भी जानते हो, ठीक है। और आज तो एक रिश्ता बना हुआ है, कभी तुम अजनबी थे पर अब न जाने क्यों अपने से लगते हो, फासले आंखों से सही पर दिल के करीब रहते हो। और तुम हमें याद करो या पूछ डालो जमी धूल की तरफ। देखो जिंदगी है बड़ी झंझावतों को झेलता है विद्यार्थी भी, टीचर भी, सब लोग। तुम हमें याद करो या पूछ डालो जमी धूल की तरह, पर दिल से निकलेगी एक ही दुआ, तुम चमको सदा सूरज की तरह, तुम चमको सदा सूरज की तरह। होली या सब होली की पिचकारी हो, मन में जले हो दीप या सब होली की पिचकारी हो, दर्द की हो स्याह रात या मन में चढ़ी खुमारी हो, हम तो तेरी राहों में खड़े मिलेंगे मील के पत्थरों की तरह। हम तो तेरी राह में खड़े मिलेंगे मील की पत्थरों की तरह। देखो मील का पत्थर क्या बताता है, घबराओ नहीं इतनी दूरी आ चुके और आगे बढ़ो मंजिल सामने है। हम तो तेरी राहों में खड़े मिलेंगे मील के पत्थरों की तरह, चाहे तपती धूप हो या सर्द हवा बनी शिकारी हो, या सर्द हवा बनी शिकारी हो। और ये जिंदगी एक घंटे जिंदगी उड़ा ले जा सकती है जहां तूफानों का शोर हो। कोई नहीं जानता कल होगा क्या हमारे यहाँ की जिंदगी में। ये जिंदगी उड़ा ले जा सकती है जहां तूफानों का शोर हो, और मंजिलें वहां जा सकती हैं जहां चलता ना किसी का जोर हो। पर जो राह तुम तक जाती है उसे हम भटक सकते नहीं, मिट तो सकते हैं हम, पर तुम्हें दिल से जुदा कर सकते नहीं। तकलीफ हम लोग को ज्यादा होती है जहाँ जो भी टीचर से मंच पढ़ा है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था है नहीं उस तरीके की, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोगों के लिए, बस अंदर अंदर थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक घंटा पढ़ाना और पाँच घंटे बैठ के पढ़ना बड़ा अंतर है। हम लोग अभी जाते हैं थोड़े 5 मिनट 10 मिनट हम लोग पसीने में सूख जाते हैं, फिर दूसरी क्लास जाते हैं। ये कार्यक्रम तीन में चलता ऐसा नहीं है, बट हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अब 5 घंटे विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको, लेकिन देखो आप जो बनाना चाहते हो बनना चाहते हो वो सब ऐसे ही बनता है, और जो जितना तपता है उतना ही खरा सोना हो जाता है। तो आप तप रहे हो ये कोई भी समझ लो कहीं भी, क्योंकि पढ़ाई चाहे जो भी करो जिंदगी में अगर जूझना सीख गए तो तुमको हराने वाला कोई नहीं, चाहे आप कम जानो कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में अगर जूझना जानते हो जहाँ खड़े रहोगे समझ लो वहीं से हर चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जिंदगी कभी हारिए नहीं, धूप सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो आपको हारना नहीं है। मैं अभी जानते हो उससे मतलब भाव बता दूँ, देखो मैं अभी क्या कर, मैंने अभी अभी साइकिल खरीदी थी आने के लिए भी थोड़ा शरीर में थोड़ा ठीक रहता है, और ये भी कि अहंकार कितना बचा मेरे अंदर उसको जानने के लिए। क्योंकि सब कोई आदमी अपने को बड़ा मानता है तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज होती है जो उसके अहंकार होती है उसको करने नहीं देती। तो मैं भी 10-15 दिन गया भी, बट थोड़ा सा कुछ दूरी मतलब कहीं हम लोग और भी जब मेरा घर है तो जगह हम लोग रहते हैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहता है, इसलिए मैंने साइकिल भी छोड़ दी। फिर एक दिन की बात है मैं साइकिल से आया था, बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, घर के लोग मुझे बार बार मना कर रहे थे कि नहीं आज जो है अभी कोई गाड़ी लेकर जाइएगा। रवि सर भी बोले, सुनील सर बोले कि नहीं आपको आज साइकिल से जाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाएगा आप अपनी जिद खाली करते हो, है ना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यही तो समय है अपने आप को आजमाने का। किस बारिश में बच्चे भीग के जाते हैं तो मैं भीग के जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, पर मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया। नहीं, अगर बूढ़ा नहीं हुआ हो तो समझ लो मैं वो कर सकता हूँ जो आप कर सकते हो। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि दूसरा कोई आदमी करता मैं नहीं कर सकता, समय उसी दिन से अपने आपको बूढ़ा मान लेना। बूढ़े मत बनो, जवान बनो और आगे बढ़ो। खो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है कि जो आप पाना चाहते हो मिले नहीं, लेकिन जूझने की क्षमता होनी चाहिए। कि मैंने देखा, मैं डेली में पढ़ाई किया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पर विद्यार्थी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं घर में बहुत समस्या से बैठे दूसरा को हिता छोड़ के भाग जाता है।
वो विद्यार्थी दूसरे घर में जा जाकर दूसरे विद्यार्थी जी ये बताइए आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है क्या, हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, और ये दुनिया है अगर किसी पूछोगे कि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो मुँह कैसा बनाएंगे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने मेरा नींद खराब कर दिया, अरे नहीं आंटी जी सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, क्या करें पढ़ाई करना है चाहते हैं पढ़ाई करें, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा स्वाभिमान जा रहा है, उनको पढ़ाई करना था, उन्होंने अपने स्वाभिमान को भी धरता बता दिया। और मैं उन लोगों को जानता हूँ वे लोग दूसरों के यहाँ ट्यूशन मांग मांग के पढ़े और IAS और IPS अधिकारी हारो ने जूझो, इससे ही आपको आपका रास्ता साफ हो। और बाकी बात तो हर आदमी है, सब आदमी को जितने जिंदगी मिली है वो जियोगे, कोई आदमी सो के बिता देगा, कोई आदमी संघर्ष करके बिता देगा, जो सो के बिताएगा दुखी वो भी रहेगा, परिवार वाले भी दुखी रहेंगे, संघर्ष करेगा वो खुश हो या ना हो लेकिन उसके परिवार वाले खुश बहुत हो जाएगा, और जिस दिन परिवार वाले खुश हो गए उस दिन आप समझ जाओ कि जिंदगी का सबसे आनंदमय दिन आ गया। चलो ओके थैंक यू, काफी बात करें।